शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में जारी लॉकडाउन के चलते कई व्यवसाय बंद हो चुके हैं, तो वही लॉकडाउन में शिथिलता दी जाने से कई कारोबार फिर से खुल चुके हैं। ऐसे में शहर के साउंड सर्विस कारोबार अब भी नहीं खुलने से शहर के तकरीबन 70,000 साउंड सर्विस का व्यवसाय करने वालों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान दे साउंड सर्विस व्यवसाय को जल्द से जल्द शुरू करने की परमिशन देने की गुहार साउंड सर्विस व्यावसायिकों ने लगाई है। कोरोना वायरस और उसका संक्रमण रोकने के लिए पूरे भारत के साथ साथ तमाम शहरों में भी लॉकडाउन जारी किया गया था। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए पूरे शहरों में लॉकडाउन जारी किया गया। लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग नजर आए तो कहीं लोग उल्लंघन करते हुए भी नजर आए। लॉकडाउन के चलते तमाम कामकाज पूरी तरह से बंद पड़े थे, लेकिन लॉकडाउन में जैसी शिथिलता मिली कामकाज फिर से सुचारू ढंग से शुरू होने लगे। लेकिन साउंड सर्विस का व्यवसाय करने वाले ऐसे 70,000 युवाओं को बेरोजगार होना पड़ रहा है। अब तक के उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। साउंड सर्विस इस व्यवसाय को जल्द से जल्द जिला प्रशासन परमिशन दे ताकि हमारा जीवन भी सुजलाम सुपलाम हो, ऐसी जानकारी साउंड सर्विस के कुछ युवाओं ने हमारे साथ बातचीत करते समय दिया। शहर में जब भी कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं तो साउंड सिस्टम की बेहद जरूरी होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सभी कारोबार बंद है। ऐसे में हाल फिलहाल में किसी बैंड वालों को यह परमिशन दी गई कि वे शादी समारोह में या अन्य सांस्कृतिक प्रोग्रामों में बैंड जरूर बजाए, 10 लोगों की परमिशन उन्हें मिली है। ठीक इसी तर्ज पर साउंड सिस्टम जो बंद है वो शुरू होना चाहिए, ऐसी शहर के कुछ साउंड सिस्टम जो चलाते हैं उनकी मांग है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, जब से ये अभी COVID-19 या कोरोना वायरस आया है तब से लेकर हमारे साउंड सिस्टम का रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ है। शादियों की हमने सीजन के हिसाब से ये फरवरी मार्च में हमने लोगों से कर्जा लेके, बैंक से कर्जा लेके नया मटेरियल बनाया, सामान बनाया कि सीजन करेंगे करके, बट लेकिन ये पूरा हमारी वाट लग गई है पूरी साउंड सिस्टम्स लाइन की, क्योंकि शादियाँ टोटल बंद हो गई है। परमिशन दी जा रही 50 लोगों की शादियों में, तो लेकिन उसमें हमारा साउंड का कोई काम नहीं होता है और साउंड से रिलेटेड जो भी टोटल इवेंट शो वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं, उसके चक्कर में हमारा रोजगार वगैरह ठप पड़ा हुआ है। और आगे भी अभी गणपति जो आने वाला है उसमें भी हमें परमिशन के चांस नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए हमारा सवाल है। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं, हमें हमारा भी कुछ सोल्यूशन दे, सरकार दे, आयुक्त दे, यहाँ का अध्यक्ष जो कमिश्नर है उनके तरफ से साउंड सिस्टम वाले के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए जो उनका रोजगार चले। आज नहीं कि कम से कम 70,000 लोग साउंड से रिलेटेड है यहाँ पे, साउंड सिस्टम नागपुर में सिर्फ। आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि लगभग हमारा पूरा परिवार, हमारे कैसे जो हमारे साथीदार है या जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं वो सारे लोग इस पे डिपेंड है, और जो परमिशन अगर नहीं मिली तो हमारा क्या होगा, एक सोचने वाली बात है। तो बिल्कुल, हमारा क्या होगा, इस तरह की गुहार उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से लगाई है, जो कि परमिशन जो देते साउंड सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तक के इस बिजनेस के ऊपर में तकरीबन 70,000 लोग कामकाज करते हैं और 70,000 लोगों के ऊपर में साउंड सिस्टम बंद होने की वजह से भी भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। इस तरफ जिलाधीश कार्यालय की ओर से ध्यान दिया जाए, जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे जी ध्यान दे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय जी ध्यान दे, और तब कहीं इन लोगों को न्याय मिले, ऐसी ये लोग चाहते हैं। अब देखना ये होगा क्या जिलाधीश इस और परमिशन इन्हें देता है या फिर लॉकडाउन के चलते इनका साउंड सिस्टम का कामकाज यूं ही बंद रहेगा। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।